इस्लामी मुल्क के अंदर हिंदुओं का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए सर, क्यों नहीं बनना चाहिए और आप इसके बारे में क्या कहेंगे, अपनी खुल के राय दें। ये हमारा मुसलमान मुल्क है, ये भी है, वो हजारी का दुबई है, वो आप सरकार के वसल्लम के शहरों का शहर है, तो वो नहीं होना चाहिए ऐसे। अच्छा, तो वहाँ पर तो जो अरबी हैं उन्होंने तो इजाज़त भी दे दी, आप बन गए, आप दूसरा बन रहा, तीन चार तो ऑलरेडी बने हुए, मगर आगे नहीं ना बनना चाहिए, पहले तो जो बन गए बनना चाहिए, अब नहीं बनना चाहिए। और नहीं बनने चाहिए, नहीं बनना चाहिए। तो अभी तो बना रहे हैं ना फर... भाई दुबई में हिंदू मंदिर राम मंदिर बन के तैयार और पाकिस्तानी भाई गुस्सा हो गए हैं। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये अबू धाबी का हिंदू मंदिर है और ये बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है। जाने कि आज के दिन 14 फरवरी के दिन जो है हमारे नरेंद्र मोदी वहां पे जाएंगे उस मंदिर का उद्घाटन करने के लिए। वहां के खुद दुबई शेख ने बुलाया है हमारे देश के प्रधानमंत्री को और इस पे पाकिस्तान भाई ऐसे ऐसे रिएक्शन देता है, बोलता है कि इस्लाम देश में हिंदू मंदिर नहीं बनना चाहिए, इस्लाम देश में जो है तमाम तरह की बातें कर रहे हैं पाकिस्तानी। लेकिन उससे पहले दुबई से कई बयान है, दुबई से गुस्से में ऐसी बात बोल दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी और सुननी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप देखिए पाकिस्तान का रिएक्शन, पाकिस्तानी इस मुद्दे पर क्या बोलते हैं। और मंदिर बनने जा रहा, उसकी ओपनिंग के लिए नरेंद्र मोदी को बुलाया जा रहा है दुबई के अंदर, यूएई के अंदर, अबू धाबी के अंदर बनने जा रहे हैं। एक मंदिर ऑलरेडी था, अभी दूसरा मंदिर भी बनेगा एक मुसलमान कंट्री के अंदर, मुसलमान शहर के अंदर। क्या आप इस बात की इजाज़त देते हैं कि वहाँ पर हिंदुओं के मंदिर बने और वहाँ पर हिंदू आकर अपनी इबादत करें, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखें, जब आप उनको जॉब के लिए इजाज़त देते हैं तो मुझे लगता है कि उनकी इबादतगाह भी होनी चाहिए, जैसे मुसलमानों की हमारे पास हर जगह कहीं भी हम जाते हैं तो मुसलमानों की इबादतगाह है। इसी तरह इंडिया का भी अपना राइट है, वो अपनी इबादत करें जैसे भी करें, तो इससे किसी भी मुल्क को मसला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो वहाँ पर हिंदुओं की तादाद भी कम थी, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की ही बातें होती थी, कि अब देख रहे हैं कि हम जिस तरह से अरब कंट्रीज इंडिया की तरफ उनका रुझान ज़्यादा है, झुकाव ज़्यादा है, तो वहाँ पर पाकिस्तानी को वहाँ से दुबई के वीज़े भी बंद कर दिए गए हैं। आपने देखा होगा वीज़े नहीं लग रहे, लेबर कोटा बंद किया हुआ है। दूसरी तरफ इंडियंस को कहा जाता है कि भाई बस आप आ जाओ, वीज़ा फ्री भी उनको करने जा रहे हैं, इंडियन रुपये के अंदर दुबई ट्रेड कर रहा है उनके साथ। हमारे साथ कोई इस तरह का सौतेली माँ वाला बर्ताव क्यों, क्यों उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है, हमें नहीं मिल रही? देखिए, इस चीज़ के ऊपर तो हम अपने हुक्मरानों की तरफ ही जाएंगे कि जो हमारे माशी बहरान हम पे आया हुआ है, इसकी वजह से हमारा सब कुछ ही देखा जाए तो डाउन में जा रहा है। अगर आप इंडिया की करेंसी की बात करें तो हमसे अभी भी 3 गुना ऊपर है, ठीक है। तो अब इस चीज़ में तो हम कुछ नहीं कह सकते कि इंडिया को क्यों प्रेफर किया जा रहा है, मुसलमानों को नहीं किया जा रहा, तो वो अपने हक से आगे आ रहे हैं। मुसलमान अगर हमारा भी मुल्क इस तरह तरक्की करे तो इंशाल्लाह ये लोग भी ऊपर आएंगे। एक इस्लामी मुल्क के अंदर हिंदुओं का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए सर, क्यों नहीं बनना चाहिए और आप इसके बारे में क्या कहेंगे, अपनी खुल के राय दें। ये हमारा मुसलमान मुल्क है, ये भी है, वो हजारी का दुबई है, वो आप सरकार के वसल्लम के शहरों का शहर है, तो वो नहीं होना चाहिए ऐसे। अच्छा, तो वहाँ पर तो जो अरबी हैं उन्होंने तो इजाज़त भी दे दी, आप बन गए, आप दूसरा बन रहा, तीन चार तो ऑलरेडी बने हुए, मगर आगे नहीं ना बनना चाहिए, पहले तो जो बन गए बनना चाहिए, अब नहीं बनना चाहिए। और नहीं बनने चाहिए, नहीं बनना चाहिए। तो अभी तो बना रहे हैं ना, फरवरी को भी उनकी ओपनिंग भी है, मगर मुसलमानों को चाहिए ना कुछ जांच वगैरह करना चाहिए, कोई ना कोई बात करनी चाहिए उनसे। सर, वहाँ पर दुबई की अगर मैं बात करूँ, दुबई के अंदर आप देखेंगे इस टाइम तकरीबन 30% से ज़्यादा जो इंडियंस हैं वहाँ पर हिंदू हैं, जो कि दुबई का पूरा कारोबार उन्होंने संभाला हुआ है, तो वहाँ पर हिंदुओं को अपनी इबादत करने के लिए जगह तो चाहिए, तो अगर वो बन गया तो गलत है? नहीं बनना नहीं, मगर बनना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से तो बनना नहीं चाहिए। अच्छा, तो हिंदुओं के मुल्क इंडिया के अंदर मुसलमानों की मस्जिदें भी बननी है, तो क्या वो भी मना करें इस बात पर? उन्होंने एक एरिया दिया है, हर जगह पे इतनी मस्जिद बने दे रहे हैं, सारी जगह पर मस्जिद है, जहाँ भी जिस सिटी में भी आप जाएंगे हर एक सिटी के अंदर एक मस्जिद, जहाँ पर मुसलमानों की पॉपुलेशन है वहाँ पर मस्जिदें बनी हुई हैं। इस बात से मैं आपको कहूँगा कि ये आप अपनी दुरुस्त, वो गलत तो कर रहे हैं ना, मगर वो मुसलमानों को मुसलमान समझते नहीं है। अच्छा, तो अगर जब आपने कहा कि दुबई के अंदर मंदिर नहीं बनना चाहिए, तो हम क्या हिंदुओं को हिंदू समझ रहे? समझ रहे मुसलमान है, हम उनको समझेंगे हिंदू ही है। नहीं, यूएई के अंदर मंदिर आपने कहा कि नहीं बनना चाहिए, तो उस तरह उनके भी हकूक पामाल नहीं हो रहे? नहीं, उनको तो यो हिंदू है वो हिंदू ही रहेगा। नहीं, वो हिंदू ही रहेगा, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं मैं उससे एग्री कर रहा हूँ, लेकिन आपने ये कहा कि वहाँ पर सऊदी अरेबिया के अंदर नहीं, दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर मंदिर नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। इस तरह से क्या हिंदुओं के वो पामाल नहीं होगी, उनकी जो रिस्पेक्ट है, जो कि उनका रिलीजन है, वो आप उनको इजाज़त नहीं देंगे, क्या वो आपको इजाज़त देंगे? नहीं ना दे, वो पहले नहीं दे रहे, पहले थोड़ा जुल्म कर रहे हैं यार। अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान कौन है, हिंदुस्तान मुल्क मुसलमानों का मुल्क था, हिंदुओं ने कब्जा किया हुआ है। अच्छा, हाँ जी, कैसे सर, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। आप सब लोगों को पता तो है पहले कौन से दुनिया में कौन किसने हुकूमत की, मिर्जों ने की है। हाँ। तो मिर्जे मुसलमान, मिर्जे से पहले भी तो थे, पहले थे, कम थे हिंदू लोग, 7000 साल से भी पुरानी तारीख है हिंदुओं की, जो कि इंडिया के अंदर मौजूद थे।
मुसलमान तो हम तो अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर हम मैं और आप अगर अगर 500 साल पीछे चले जाए तो हम सारे हिंदू थे। हाँ ऐसे ही ऐसे तो फिर हम कब्जा तो हमने किया कि नहीं किया है। तो बात तो ये है ना, आप हुक्म करें मैं क्या कह सकता हूँ। मैं क्यों हुक्म करूँ, मैं तो यही कहूँगा कि आपको हर एक को इजाज़त देनी चाहिए कि भाई यहाँ पर इस मुल्क के अंदर चाहे पाकिस्तान हो चाहे दुनिया कहीं तरी बनाया हुआ, हमने कभी कोई इसके बारे में सोचा नहीं, क्योंकि ये पुरानी चीजें हैं। हाँ जी बिल्कुल, कोई ये पाकिस्तान बनने से पहले की। भाई आपने देखा पाकिस्तानी कैसे बात कर रहे हैं, भाई बुद्धिजीवी की तरह बात करते हैं। उनको ये नहीं मालूम है कि हमको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तमाम तरह की बातें इस वीडियो में की गई है, तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज एक कमेंट एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं दुबई, दुबई से की बात भी सुन लेते हैं। दुबई से अपने गुस्से में कौन सी बात बोल दी है जो आपको देखनी और सुननी बहुत जरूरी है। पहले आप दुबई से का बात सुनिए क्या बोलते हैं दुबई से। मेरे प्यारे भाई लोग, मैं आप लोग को एक चीज मतलब बोलेगा, आप लोग क्यों नहीं समझते, ये तीन चीज से बचो, इतना आदमी बर्बाद हुआ है। अभी हम किधर भी जाता है बस सिर्फ तो सिर्फ ये तीन चीज के बारे में लोग बात करता है। ये तीन चीज अगर आप लोग नहीं करेगा कुछ मुसीबत आप लोग पर नहीं आएगा। एक, विजिट वीजा में काम मत करो। दूसरा, खली वली वीजा मत खरीद करो। तीसरा, आजाद वीजा जो होता है ये कुछ आजाद माजाद वीजा नहीं है। आदमी लोग तुमको शायद वीजा देगा, नहीं कि नहीं देगा, लेकिन ये वीजा में तुम लोग नहीं सकते काम करेगा, क्योंकि ये एक जुर्म है हम लोग के लिए। और आप लोग क्यों नहीं समझते, अगर भी आप लोग काम किया मत समझो ये वीजा में, जो हम अभी तीन वीजा का बात किया, तुम लोग को पगार मिलेगा या पैसा मिलेगा। उन लोग तुम लोग को काम दिलाएगा, चाहे तुमसे पैसा भी पकड़ेगा लेकिन तुमको पगार नहीं देगा और तुम नहीं सकते उसके ऊपर। आपने देखा दुबई सेक ने कैसे बयान दिया है। दुबई सेक जो है हमेशा लेबर के लिए बोलते हैं और हमेशा लेबर के सपोर्ट में बोलते हैं। तो प्लीज दुबई सेक के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन में देता रहूं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।